हाय नमस्ते भाई, नया दिन नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटियाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। तो आज का ब्लॉग जो है वो सुबह 7 बजे शुरू हो रहा है, 7 के करीब हो चुका है इसमें। और अभी जो है मैं खड़ के किनारे आया हूं, और मैं किसके साथ आया हूं? मैं उन्हीं के साथ आया हूं जिनकी अभी पीछे से लगातार वीडियो जो है, ब्लॉग जो है वो अपलोड हो रहे हैं। तो आज खड़ के किनारे जो है, पिछले साल बरसात में जो है रास्ता जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, और नीचे घराट की तरफ जा बैठा जाके पूरा, खैर घराट तो नहीं था लेकिन पहले के समय में घराट था, तो ये पूरा मलबा जो है वो नीचे घराट की तरफ चला गया। तो आज अंकल जी उसी रास्ते को बनाएंगे कि लोगों को आने जाने के लिए थोड़ी सी जगह बन सके। तो चलिए चलते हैं और अंकल जी का कार्य बताते हैं। ये हैं हमारे अंकल जी जो आज रास्ता बनाएंगे। बुरी तरह से इस रास्ते की कंडीशन हो चुकी है, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, हे राम, ये पूरी पहाड़ी जो है ये नीचे गिर चुकी थी, और यहां से होते 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 नीचे चली गई। और वो नीचे जो होता था वो घाट होता था, खैर देखा तो हमने भी नहीं है, झूठ क्यों बोलना, लेकिन होता था। और ये पूरा मलबा जो है ये वहीं जाके सेट हो गया। तो अभी यहाँ पर अंकल जी अपने पूरी लगन से इस रास्ते को बना रहे हैं। ये एक पुण्य का कार्य रहता है कि अगर किसी को लग जाए, गिर जाए, तो फिर वो बहुत ही दुखद समाचार रहता है। तो इसके चक्कर में अंकल जी ने आज सोचा कि क्यों ना इस रास्ते को ही एस्टेब्लिश किया जाए। पूरी तरह से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना भी होगा वो हम आपको ब्लॉग के माध्यम से बताएंगे। तो अभी जो है, अभी पत्थर भी कम हो चुके हैं, तो उसके चक्कर में अभी अंकल जी इस कसी के साथ, हिंदी में कसी बोलते हैं हम तो, अपनी लैंग्वेज में झांबी बोलते हैं, झांबरी चांब है अंकल जी, चांबी गलांदे ना, हाँ चांबी, चांबी बोल दे। ता ऊन पत्थर भी लग पे मुकना कने। अब ऐसा है कि इस कसी के साथ जो है आप पत्थरों को निकाला जा रहा है, और पत्थर जो है रास्ते में लगाए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, जब पूरा रास्ता बन के तैयार हो जाता है तो फिर हम आपको फिर मिलाते हैं, और अंकल जी से भी बात करवाते हैं कि कितना दुखद समाचार रहता है जब लोग घरों की तरफ जाते हैं और उनका पैर जो है वो दुर्भाग्य बस फिसल जाता है, और क्या कठिनाई का सामना जो है वो उन्हें करना पड़ता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही मेहनत लगन के साथ जो है अंकल जी कार्य कर रहे हैं। तो चलिए अंकल जी, आप कार्य करते रहिए, और मैं थोड़ा सा और इनको अपने व्यूवर्स को व्यू बता देता हूँ। ये है हमारी खड्ड, ये है कुणा खड्ड, लेकिन अभी तो पानी की मात्रा जो है वो बहुत ही कम हो चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं जो पिछली बरसात आई थी ना, वो आप, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, वो आप सामने सीढ़ियाँ देख रहे हैं चट्टानों से तोड़ी हुई हैं, यहाँ तक पानी पहुँच गया था। और ये है पंप हाउस, हमारे वाला तो दूसरा डिडमे की तरफ है, लेकिन यहाँ भी स्कीम चलती है। तो कहते थे कि 1983 में और 2014 में यहाँ पर इतनी बारिश हुई थी कि खड्ड का प्रभाव जो था वो इस पंप के ऊपर से चला गया था। इतनी खड्ड जो है वो 1983 और 2014 में आई थी, और अब की बार पिछले प्रीवियस बरसात में जो है वो भी बहुत विशालकाय बारिश आई थी। मेरे YouTube चैनल में उसका भी शॉर्ट वीडियो होगी, आप उसको देख सकते हैं। ज़्यादा शॉर्ट वीडियो है नहीं, तो आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्क्रॉल कर सकते हैं तो आपको उस खड के प्रभाव का भी शॉर्ट्स देखने को मिल जाएगा। और ये ऊपर की तरफ जो है ये है शमशान घाट, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया ये शमशान घाट जो है ये बना के रखा है। कोई शमशान घाट कहता है, कोई मुर्दा घाट कहता है, कोई मुसांकड़ कहता है। तो ये भी मैं आपको जाते वक्त ऊपर से इसका पूरा व्यू बता दूंगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं अंकल जी ने 2-4 पत्थर और ऐड किए कि नहीं। देखो ऊपर पहाड़ी की तरफ से जो है वो पत्थर लाने पड़ रहे हैं, और यहाँ हाँ रास्ता तो अब खराब होगा ही ना, बारिश है और बुरा हाल है बारिश से, तो अब क्या कर सकते हैं। ऐसे ये कच्चा है, हाँ तो कौन है फिसले, हाँ तो बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, स्कूल को बच्चे भी जाते हैं। थोड़ी जोर से बोलिए, और
स्कूल को बच्चे भी जाते हैं। हाँ रास्ता है, जगह है, शॉर्ट है, यहाँ से शॉर्ट मारते हैं सभी। हाँ है? इस करके ना, हाँ जी, थोड़ा सा धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम आज निकाल लेंगे। हाँ बाकी जो बच्चा वो देखेंगे। हाँ फिर धीरे धीरे हो जाएगा। जैसा अंकल जी ने कहा कि यहाँ से शॉर्टकट है, तो अभी तो ये रास्ता तो है नहीं, अब तो खैर खत्म ही हो चुका है, लेकिन जब ये रास्ता बनेगा, और अंकल जी भी प्रयास कर रहे हैं कि ये रास्ता जो है बन जाए, तो यहाँ से शॉर्टकट है और खड क्रॉस करके, जो मैंने आपको सामने सीढ़ियाँ बताई है, तो वहाँ उसको क्रॉस कर करके वो आ गया झरनो, जमुना, जिंदवी, सामने डोडरू, कसीरी, आगे जोल, फिर भिड़ा निकल जाएंगे आगे। तो यहाँ से शॉर्टकट है बहुत ही शानदार, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आती है बरसात में, तो आगे ठाना पिंड से जो है वो ब्रिज भी बना हुआ है, तो लोग वहाँ से भी चले जाते हैं। अभी जो है इतना ही रास्ता जो है वो बन के तैयार हुआ, क्योंकि बारिश जो है वो लग पड़ी और थोड़ा मुश्किल हो गया काम करने के लिए। तो अभी आप इस रास्ते को देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से जो है अभी रास्ता बना। अभी और इसमें पत्थर ऐड होंगे, तो जब भी अब थोड़ा मौसम ठीक रहेगा तो अंकल जी फिर से आएंगे। मैं तो खैर अभी समय नहीं लग पाएगा, लेकिन अंकल जी फिर खुद इस रास्ते को जो है वो बना के चले जाएंगे। अगर मैं कभी इस साइड आया, वैसे मैं इस साइड बहुत ही कम आता हूँ, अगर आया तो फिर मैं ज़रूर आपको बताऊँगा कि अंकल जी ने कितना रास्ता जो है वो बना लिया है। जो मैंने आपको नीचे से बताया कि ऊपर जो है वो शमशान घाट भी है, तो अभी जो है मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ, और एक नज़र से आप इस पूरे शमशान घाट को देख लें, बहुत ही शानदार है, कोई आने जाने के लिए दिक्कत नहीं होती है, ट्राला जो है वो नीचे लकड़ियाँ लेके पहुँच जाता है, बैठने के लिए बैठके बनाई हुई है, और बहुत ही शानदार है। पानी की कमी होगी तो ये पीछे आप बावड़ी देख सकते हैं, तो ठीक है, बढ़िया सिस्टम है। तो एक बार मैं आपको एक बार कैमरा घुमा देता हूँ और आप पूरा एक बार इसका व्यू देख लें। ये है वो सामने बावड़ी, और यहाँ बैक साइड लिखा है मोक्ष धाम। अगर जब फ्रंट से आएंगे तो सामने आपको मोक्ष धाम दिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ पर अभी पंचायत ने यहाँ पर टाइलें वगैरह जो है वो एस्टेब्लिश करवा दी हैं, और यहाँ भी बैठने के लिए बैठक वगैरह है। अभी थोड़ा यहाँ पर काम चला हुआ था, तो अभी टेबल जो है अभी अरे परे लगे हुए हैं, इनको भी एक जगह में सेट करेंगे, और ऊपर जो है वो सेट बना के रखी हुई है। और ये है हमारा शमशान घाट। यहाँ पर जो है वो लोगों को जलाया जाता है, लोगों को यहाँ पर मुक्ति मिलती है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे गांव में मृत्यु हुई थी, तो वहाँ पर जो पंडित आते हैं पूजा करवाने के लिए, वो गरुड़ पुराण पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि लोग डरते हैं इस चीज़ से आने के लिए, और उनको पता है कि सत्य भी ये है। तो जैसे आप हर रोज़ मंदिर जाते हैं, तो जब भी आप यहाँ आए, या हफ्ते के एक बार आए, या तीन दिन में एक बार आए, या पाक्षिक आए, या मासिक आए, तो यहाँ पर जरूर मस्तिष्क झुकाकर प्रणाम करें, क्योंकि यही वो स्थान है जहां पर आपको एक ना एक दिन आना है। तो अभी जो है हमने नीचे आपको बता दिया कि जितना रास्ता जो पॉसिबल हो पाया उतना अंकल जी ने कर दिया, क्योंकि बारिश जो है वो लग पड़ी, और उसके बाद मैंने आपको यहां पर अपना शमशान घाट का दृश्य भी करवा दिया। तो अभी हम इसी के सेट के नीचे बैठे हैं, क्योंकि बारिश जो है वो लग पड़ी है। तो अंकल जी, आपने ये कार्य किया, आपने कब से सोचा था कि ये रास्ता जो है मैंने बनाना है? क्योंकि आज जो मैं आया तो यहाँ पर पहले से ये रास्ता बना था, तो मेरे ख्याल से ये भी आपने ही बनाया होगा। आपके दिमाग में क्या आया कि क्यों इस रास्ते को बनाना चाहिए और लोगों के लिए रास्ता मिलना चाहिए? रास्ता जो है, रास्ता सबको चाहिए, जीवित प्राणी को भी चाहिए। जब प्राणी इंसान यहाँ से चला जाता है तो उसको आगे भी रास्ता चाहिए। कैमरे में तो पीछे बरसात हुई थी, सारी की सारी ये जगह नीचे गिर गई थी, तो दिक्कत होती है आने जाने की लोगों को। हम भी इस रास्ते से गुजरते हैं, राहगीर भी गुजरते हैं जोर से, तो हमने सोचा कि काम तो चला रहेगा, एक दो पत्थर लगा देते हैं जितना हमसे हो पाया। जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था थोड़ा सा, कहीं पाँव किसी का रखा जाएगा तो फिसल ना जाए, किसी को लग ना जाए, है इस वजह से मन में मालिक ने बोला कि जाओ ये कार्य करो, क्योंकि प्रभु के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो अभी जो मैं यहाँ पर आपके साथ आया तो थोड़ा सा चलने लायक हो गया था, तो क्या ये भी आपने बनाया था? पहले मैं तो इस वक्त था नहीं यहाँ, आप बोला ये बनाया है, कुछ गाँव वालों ने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं,
कुछ हमने दिए कुछ किसी ने दिए, तो ये इकट्ठा करके जो पैसा हुआ कुछ किसी ने दिया कुछ किसी ने दिया, कैसे किया, तब किया है काम। अच्छा, तब जाके ये हाँ। जब पहली बरसात में ये गिरा था तो उसके बाद माड़ा मोटा चलने के लायक किया और हाँ। आज आपने इसको किया, लेकिन अभी भी मेरे को लगता है कि प्रॉपर तरीके से नहीं नहीं प्रॉपर तरीके से कहाँ बना है। हाँ, तो ये मेरे को लगता है अभी मौसम साफ देख के आपको एक बार फिर से आना पड़ेगा। एक दो इसको पूरा दिन लगेगा। हाँ, बच्चों को बुलाना पड़ेगा, बच्चों को बुलाना पड़ेगा, मैं भी साथ में आ जाऊंगा। ठीक है, और अगर मजदूरी मजदूर वालों को बोलेंगे तो वो 700 रुपए ले लेगा। इतने तो मेरे पास है नहीं। ठीक है, वो खुद ही करेंगे जितना हो पाएगा ना जी, है ना। तो आज का कुछ प्रवचन, क्योंकि ब्लॉग इसलिए देखते हैं कि आपका जो वाणी है ना बहुत ही अच्छे शब्द बोलते हैं कि वो ज्ञान मिलता है और लोग उसे अपने जीवन में उतारना भी चाहते हैं। वाणी ऐसा है, सुना है बड़े बुजुर्गों से सुना है, हमें तो नहीं पता है, सुनी बात भूल सकते हैं हम। एक तो कैमरे में देखिए पहले, बोले बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ हजूर, पंथी को छाया ना मिले, फल लगे अति दूर, चढ़ गया सो बोलिया रस भर पी, गिर गया तो चकना चूर। इसका भाव अर्थ ऐसा है कि बोले बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी जो होता है वो राहगीर चलने वाला होता है, पंछी नहीं होता है, वो तो बोलते पंछी, पंछी नहीं पंथी। जैसे हम रास्ते से गुजर रहे हैं, कोई व्यक्ति रास्ते से गुजरा है, बुजुर्ग है या कोई भी है राही, तब बोला भाई बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया ना मिले, फल लगे अति दूर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कुछ इस प्रकार से सारे का सारा ब्लॉग जो है हमने आपके साथ साझा किया। तो अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आए और स्पेशली हमारे धर्मो अंकल पसंद आए, तो ब्लॉग को और इनके लिए एक लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भोले शंकर, जय माँ काली, लेट्स रॉक।